थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पड़ोस के दो लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप एसएसपी से की शिकायत। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आज मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए पड़ोस के ही दो लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या हुआ, क्या मामला, क्यों आई है? मैं जे आज 10-12 दिन हो गए भागते भागते, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आई हूँ। मुझे क्या कि मैं इन लोगों से मुझे अब डर लगने लगा, मैं भागते भागते थक गई। क्या मामला हुआ था? पूरा मामला ये हुआ था, घर में मेरा आदमी भी नहीं थे, मेरे बच्चे भी नहीं थे, मैं अकेली लेटी हुई थी और चार लोग मेरे घर में आए, जिसमें से दो बाहर चले गए, दो अंदर आए। चार लोग थे, दो बाहर चले गए, दो अंदर आए, जिसमें से क्या कि मैं एक का नाम मोटा सलीम, एक का परवेश। आते ही मैं उन्हें देख के एकदम चौंक के बैठ गई। उनने परवेश ने मेरी गोलियाँ भरी और मोटा सलीम ने उस पर तमंचा रखा कनपट्टी पे और उसने धमकी दी कि अगर तूने शोर मचाया या कुछ करा तुझे यहीं पे मार देंगे। उनने जैसे काले परवेश ने गोलियाँ भरी, उनने तमंचा रख लिया, तमंचा रख के काले परवेश ने मेरी कुर्ता फाड़ दिया और फिर उसने मोटा सलीम ने गलत काम किया, उसके बाद इसने परवेश ने गलत काम किया और जाते जाते धमकी देकर गए कि तूने किसी को बताया या अपने घर में से निकल कर गई या कहा तो हम तेरे आदमी को या तेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। अब मैं परेशान हो गई हूँ धक्के खाते खाते, अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्या? चौकी पर जा रही हूँ, दो तीन घंटे बैठ कर आती हूँ, वहाँ से कह के मैं भगा देते हैं कि यहाँ पर कह के मैं कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो झूठा आरोप लगा रही। ये बताइए मैं झूठा आरोप क्यों लगाऊंगी, अपनी बेइज्जती क्यों करूंगी? आज आप एसएसपी साहब के यहाँ आई थी, एसएसपी साहब ने क्या कहा है? अब वो उन्होंने कहा है कि आपकी संडे के वो हम आगे को बढ़ाएंगे, आप जाइए हम आपकी उसका भेजेंगे। क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा इस बात को। इस मामले में बलात्कार के आरोपी पक्ष से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि महिला जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं महिला के लगभग घर से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। इसके साथ ही आरोपी पक्ष ने मुरादाबाद DIG SSP को एक प्रार्थना पत्र देते हुए मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आरोपी पक्ष का कहना है कि महिला व उसका पति उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, वे बेवजह उसे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। आरोपी पक्ष ने इस मामले में DIG SSP से जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम उर्फ मोटा। आप पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि आप उसके घर में घुसे हैं और उसके साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, क्या कहना है आपका, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे कहना यह है इसमें, 17 तारीख में फहीम सनूप नजागा जो इसका हस्बैंड है उस पर 10 से 12 मुकदमे थाना सिविल लाइन में पंजीकृत हैं, घरों अपराध है उसके ऊपर, उसको पुलिस ने पकड़ के 25 में जेल भेज दिया। उसमें पुलिस से या इससे मेरा क्या लेना देना है? पुलिस ने जेल भेजा उनके खिलाफ वो करना है। फिर इसने दूसरे इनको 18 में दिया IGRS, 18 तारीख में IGRS देने के बाद में उसने उसमें ये लिखा कि पुलिस ने सलीम मोटर से 10,000 रुपये लेके जेल भेज दिया। फिर 26 तारीख में इनने एप्लीकेशन दी उसकी रैप की कि मेरे साथ चार लोगों ने रैप करा। अब ये बताइए पुलिस के खिलाफ भी ये दे रही है और उसकी रिपोर्ट भी दे रही है बलात्कार की, तो ये बताइए कौन कौन सा काम करा? एक वीडियो भी मैं जो है ये मतलब कह रही है कि मेरे खिलाफ चार लोगों ने करा, एक में ये दिखा रही है दो ने करा, दो अंदर थे दो बाहर थे। अब ये बताइए घटना सच्ची है झूठ फूटी है? और इसका घर मेरा घर कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे है, पुलिस ने बंद करा है, पुलिस के खिलाफ जो करना चाहिए मुझसे क्या मतलब है? क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं आप? ये सर ये पूरा गैंग है, गैंग रैप, ये इनका काम ये है कि आदमी को भूल वाला आदमी को फांसा, फांसने के बाद में हमें 2 लाख दो, 1.5 लाख दो, मुझसे ये 3 दिन से पैसे की मांग कर रहा है। मेरे पास फ़ोन आ रहा है लोगों के, क्या फैसला कर लो 1.5 लाख रुपये दे दो। मैंने कि मैं इसे एक फाइन दूंगा, मैं ये झूठा ये फांस रही है, मैं इसे 5 पैसे नहीं दूंगा, ना मेरे पास पैसे हैं। आपने इसमें किसी से शिकायत की अब क्या? शिकायत मैंने कप्तान साहब से भी कर दी, मेरे पास एप्लीकेशन है DI साहब से भी कर दी, थाने में मैंने एप्लीकेशन भेज दी, चौकी भी दिया, सब में कर दी मैंने कार्रवाई और मैंने कोर्ट से भी कार्रवाई कर रही है। इसमें 56-3 भी डाल दी मैंने, 400 मतलब वो डाल दिया मैंने इसमें। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा रही है वो आप निराधार? ये सरासर झूठ है, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं। पूरी चक्कर की मिलक के अंदर कोई भी व्यक्ति कहते कि सलीम ऐसा है या तो कोई मतलब ऐसा इस तरह का मुकदमा है, घिनौना अपराध है कोई भी आज तक, तो आप मुझे कुछ भी करें पुलिस में जेल भेज दें।